अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, आज हम हमारे सारे बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। हमने लिए हैं, आज बनाए हैं चाय, और चाय के साथ में हमने यहाँ पर कुछ बंस वगैरह, डबल रोटी एंड टोस्ट लिए हैं। एक्चुअली मैं आज, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसके लिए हमने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किए। और रात में भी हम थोड़ा शॉपिंग वगैरह के लिए गए थे, तो इसके लिए हमने सारी हमारी रेडी करके नहीं रखे थे। आने के टाइम हमें लेट हो गया, तो हमने सोचा चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते, फिर इतने में आँख लग गई तो मॉर्निंग में हम लेट उठे आज। और ये देखिए, मैं जैन के लिए पहला सैरी रेडी कर रही हूँ। जैन को एक्चुअल में चाय के साथ में पाव वगैरह, जो डबल रोटी हम बोलते हैं वो देते हैं, तो उसे डिप करके चाहिए रहता है। तो एक पाव मैं उसको डिप करके दे रही हूँ चाय के अंदर, और इसी के साथ में फ्रेश वगैरह हो रहा है वो, जब तक उसका सैरी जो है वो रेडी हो गई। और यहाँ पर हमने लिए हैं बन, लिए हुए हैं मीठा बन जो आता है बन पाव, तो हस्बैंड के लिए मीठा बन पाव है। और हमारे यहाँ पर बेकरी सुबह तक खुली रहती है, तो फ्रेश अभी उन्होंने लेकर आए हैं। और ये मेरे लिए टोस्ट, और ये एक पाव हस्बैंड ने एक्स्ट्रा लेकर आ गए थे। और ये देखिए, हमारी जो वीडियो है यूट्यूब की, वो देख रहे हैं। हस्बैंड काफ़ी दिन से बिजी वगैरह थे, तो उन्हें टाइम नहीं मिला। आज उनका पूरा दिन घर पर ही है, तो सोचे चलो अभी आज हमारी वीडियो भी देख लेते हैं। तो ये सैरी करते करते ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग। बनाने जा रहे हैं सिंपल सी खिचड़ी, तो जिसके लिए हमें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं हमारे चैनल पर रमज़ान की, रमज़ान सीरीज़ की, तो आप ज़रूर उसे ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी होती है, और बहुत ही ईजी रहती है, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी रहती है। और ये देखिए, अभी हस्बैंड को मैंने कहा था कि मुझे टोस्ट का पैकेट ओपन करके दे दीजिए, ताकि मैं आप लोग के साथ में दिखा सकूँ। तो ये देखिए, अभी मैं मेरी सैरी स्टार्ट कर रही हूँ, और जैन और मेरे हस्बैंड जो है वो भी सैरी कर रहे हैं, और जोहेब जो है वो सो रहा था। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था कि हम सब हॉल में ही बाहरी बिस्तर वगैरह डाल के सोते हैं, बिकॉज़ जोहेब क्या करता है, इतना मतलब लेटता है बेड पे कि वो 2-3 बार नीचे गिर चुका है, तो उसे लग जाती है मार वगैरह, तो इसके लिए हम चारों के चारों बाहरी हॉल में ही सोते हैं। और ये देखिए हमारी सारी वीडियोस, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। और यहाँ देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से फजर की नमाज़ पढ़ लिए थे, और ये मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पहले सामने ये बिल्डिंग जो अभी नई टावर बन रही है, ये पहले नहीं थी, तो हमें पूरा क्लियरली स्काई दिखता था हमारे फ्लोर से, लेकिन अभी वो बिल्डिंग बनने की वजह से हमें इतना क्लियर नहीं दिखता है। बाहर पैसेज में अगर हम जाएंगे तो वहाँ दिखता है। और जैन और हस्बैंड जो है तिलावत कर रहे थे कुरान शरीफ की, क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड दिन सारा रूटीन जो होता है, सिर्फ इफ्तारी के लिए कुछ वक्त मिलता है, बाद में नमाज, फिर उसके बाद में काम वगैरह रहता है, ऑफिस वगैरह देखना होता है, तो उसकी वजह से वो मॉर्निंग में ही पढ़ लेते हैं। और मॉर्निंग में पढ़ने से और भी अच्छा लगता है, दिन थोड़ा अच्छा फ्रेश लगता है हमें, और बरकत भी रहती है घर में। और ये देखिए मौसम, ये मैं आपको हमारे जो बाहर का पैसेज है उसमें से दिखा रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा था वेदर, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मीडियम जैसे है टेम्परेचर। और अभी हम थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिए थे बाकी के काम निपटाने के बाद में, अभी इफ्तारी के लिए आ गए हैं हम किचन में। आज की इफ्तारी हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, और वीडियो जो है वो जैन निकाल रहा है। तो ये देखिए, अभी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, बना रहे हैं आलू के भजिए, आलू की चिप्स। जैन को आलू की चिप्स बहुत पसंद होती है, और अभी उन्हें तो इतना नॉनवेज बनाने जमेगा नहीं हस्बैंड को, तो इसके लिए लाइटली ही आज इफ्तारी बन रही है। पहले सोचा बाहर से लेकर आते हैं, फिर बोले नहीं कल हमें वापस शॉपिंग के लिए जाना ही है, तो इसके लिए कल हम इफ्तारी बाहर से ले लेंगे कुछ भी। और ये अभी जैन की स्पेशल रेसिपी है आलू की चिप्स, उसे बहुत पसंद आती है, और ये मुझसे तो इतनी अच्छी बनती नहीं है, मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छी बन जाती है। और ये देखिए इजीली एकदम सिंपल है, आलू को आपको पील कर लेना है, इसके बाद में आपको कट्स कर लेना है आलू को, और डीप फ्राई कर लेना है अलट पलट करके, और जैसे इसमें लाइटली कलर चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए, तो उसे निकाल के ऊपर से स्प्रिंकल कर लेना है, सॉल्ट है या आपको पीरी पीरी स्प्रिंकल करना है। बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होती है। जैसे हम मार्केट में लेते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि वो लोग कौन से ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एकदम ही क्लीन और अच्छे तेल की बनी हुई घर में आसानी से कम पैसों में रेडी हो जाती है। आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, आप 15 से 20 दिन के लिए, ये बिल्कुल भी नरम नहीं होती है, आपको टिफ़िन में, लाइटली स्नैक्स में बच्चों को देना है तो आसानी से आप दे सकते हो।
और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हमने सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिए हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डालिएगा। और काफ़ी क्रिस्पी बन के रेडी होती है। एक्चुअल में यहाँ पर किचन में आंटी काम कर रहे थे तो उसकी वजह से आवाज़ आपको नहीं मैं बता सकी, क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत आ रही थी और सामने कंस्ट्रक्शन भी चालू था बिल्डिंग का, तो उसकी भी अलग आवाज़ थी। और ये देखिए, ये जो बैटर मैंने आपको बताई थी कि मेरी वीडियो पे प्रीमिक्स मैंने बना के रखी थी बेसन का, तो ये बहुत ही आसानी हो जाती है रमज़ान में, तो इसी में हस्बैंड ने अभी पानी ऐड करके इसका बैटर बना के मिर्ची के भजिए बना रहे हैं। और इसी के साथ में यही बैटर में हम आलू के भजिए भी बना लेंगे। अगर आपने ये हमारा प्रीमिक्स की रेसिपी नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पर विज़िट करिएगा, और जो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। और ये प्रीमिक्स की तो रेसिपी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको आम टाइम के लिए भी कभी ऐसे होता है ना, बारिश के सीज़न में, मानसून सीज़न में हमें पकौड़ों वगैरह खाने का मन हो, कभी बच्चे ज़िद करते हैं, अचानक से कोई मेहमान आ जाए, तो उनके लिए भी ये बहुत आसानी स्नैक्स बन के रेडी हो जाता है। और ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। तो ये जैन तो खाएगा नहीं, इसके लिए हमने चार ही मिर्ची के भजी करे, क्योंकि दो हस्बैंड खा लेंगे, एक आंटी और एक मैं। और मैं भी ज़्यादा तीखा एकदम स्पाइसी मैं भी नहीं खाती हूँ। एक्चुअल में हमने मिर्ची के अंदर से जितनी भी बीज होती हैं तीखी बीज वो निकाल दिए थे, तो इतनी ज़्यादा तो तीखी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी एक इनफ हो गई है। और मिर्ची की साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी। और ये मैंने एक दिन पहले कांदा भजिए का शाम के टाइम में बैटर बना के रखी थी, तो इफ्तारी में लेट होने की वजह से हमने ये बैटर वैसे ही रख दिए थे, बाकी दूसरे भी स्टार्टर हमने बनाए थे। तो इसके लिए अभी ये बैटर हमारा रेडी था, तो जो फ्राई किए थे हमने चिप्स वगैरह, वही ऑल के अंदर हस्बैंड ने ये तल दिए हैं, भजिया तल दिए हैं, भजिया फ्राई कर लिए हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से हस्बैंड ने भजिया बना दिए हैं। आपका जब कलर चेंज हो जाए, अगर आपको समझ में ना आए कि कैसे पॉइंट पे आपको निकालना है इसे, तो बस इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल दीजिएगा, और बहुत ही यम्मी, बहुत ही अच्छे बन के रेडी होते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ में सेपरेटली शेयर करूँगी कांदे पकौड़ों की। और ज़्यादा कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाता है, इजीली बन जाते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने बना दिए थे, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए थे। और कभी भी मुझे ऐसे होता है कि मेरी तबीयत ठीक ना हो या कुछ प्रॉब्लम हो, कहीं बाहर जाना है, तो हस्बैंड ऐसे ही हेल्प कर देते हैं। और ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, हमारे जो हुजूर थे वो भी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अक्सर मदद करते थे, तो हम तो उनके ही उम्मती में से हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और ये देखिए, ये भी आलू के भजिए रेडी हो रहे हैं जैन के लिए। जैन तो कांदे के भजिए नहीं खाता है क्योंकि उसे वेजीज इतनी पसंद नहीं है, उसके अंदर बोलता है मम्मा अनियन है और जो धनिया पत्ती होती है वो सब रहती है, तो इसके लिए वो नहीं खाता है। और ये जैन के लिए भजिया भी रेडी हो गया था। वही जो हमारा प्रीमिक्स बैटर था उसी में ही हमने मिर्ची के भजिए और जो हमारे आलू के भजिए थे ये रेडी करके निकाले हैं। आप इसका कलर देख सकते हो, कितना प्यारा कलर आया और काफ़ी यमी लग रहा है। ये देखिए हमारे पकौड़े और ये भजिए, हमारे मिर्ची के आलू के भजिए। और कटलेट्स भी हमने बनाए थे, जो आलू की रेसिपी आपके साथ में शेयर करी थी आलू कटलेट्स की, तो एक्चुअल में उसकी भी लेट हो रहा था, वीडियो नहीं ले पाए थे, जैन को भी वज़ू वगैरह बनाना था, क्योंकि बच्चा है ना कितना भी तो उसे थोड़ा टाइम जाता है, तो इसके लिए हमने वो चीज़ स्किप कर दी है। और ये देखिए मौसम माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा था। एक्चुअल में कभी ऐसा था बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, कभी मतलब ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो क्लाइमेट बहुत एकदम चेंज हो रहा है आजकल। तो इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।